साथियों हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है और आज आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है हमने शास्त्रों में सुना है जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है साथियों आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है आज विक्रम संवत 2078 हजार मार्ग श्री शुक्ल पक्ष दसमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है उसका वैभव विस्तार ले रहा है इसकी विशेषता आसमान छू रही है यहाँ आस पास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का परंपराओं का भारत की ऊर्जा का गतिशीलता का आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं साथियों जो मां गंगा उत्तर वहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे ध्यान लगाएंगे तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी हमें आशीर्वाद देगी और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी प्रसन्न होगी तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल -कल। गंग तरंगों की कलकल -कल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ सबके हैं मां गंगा सबकी है उनका आशीर्वाद सबके लिए है लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता मुश्किल हो चली थी यहां हर कोई आना चाहता था लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी बुजुर्गों के लिए दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है हमारे दिव्यांग भाई बहन बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घटों का घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था जो परेशानी होती थी वो भी अब कम होगी पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल केवल तीन हजार वर्ग फीट में था वो अब करीब करीब पाँच लाख वर्ग पीट का हो गया हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद